ज्ञान पापी मस्जिद के व्यास तहखाने में 31 साल बाद पूजा। कोर्ट ऑर्डर के बाद 8 घंटे में ही पूजा पाठ। डीएम और पुलिस कमिश्नर भी रहे मौजूद। पूजा रुकवाने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा मुस्लिम पक्ष। निचली अदालत से मांगी 15 दिन की मोहलत। ज्ञान वापी के व्यास तहखाने में पूजा का हक मिलने के बाद हिंदू पक्ष की ओर से 31 साल बाद बुधवार देर रात 11 बजे मूर्तियां रख कर पूजा अर्चना की गई। वाराणसी कोर्ट के आदेश का पालन करने में प्रशासन को सिर्फ 8 घंटे लगे। दीप जलाकर गणेश लक्ष्मी की आरती उतारी गई। तहखाने की दीवार पर बने त्रिशूल समेत अन्य धार्मिक चिन्हों को भी पूजा गया। इस दौरान डीएम और पुलिस कमिश्नर भी मौजूद रहे। आदेश के बाद काशी विश्वनाथ धाम परिसर में पुलिस प्रशासन की हलचल तेज हो गई है। आपको बता दें कि 31 जनवरी दोपहर 3 बजे कोर्ट का फैसला आने और पूजा का हक मिलने के बाद देर शाम से ही प्रशासनिक प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। आधी रात के बाद मंदिर का दरवाजा खोला गया, मंदिर को गंगा जल से पवित्र किया गया। इसके बाद वहां पूजा पाठ शुरू कर दिया गया। इस पूजा पाठ के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने खुशी जताई है और कहा है कि कोर्ट ने न्याय किया है। उन्होंने बताया कि ज्ञान वापी के इस तहखाने में व्यास परिवार 4 दिसंबर 1993 तक पूजा करता रहा, जो हक अब उन्हें फिर से मिला है। देखिए, बहुत बड़ा डेवलपमेंट है ज्ञान वापी केस में। और मैं बताना चाहता हूँ कि व्यास परिवार के तहखाने में, उस सेलर में जो नंदी भगवान के ठीक सामने, वहाँ पूजा पाठ नियमित रूप से होती रहती थी और गलत ढंग से वो पूजा पाठ रोकी गई थी नवंबर 1993 के बाद। बिना कोई रिटर्न ऑर्डर के वहाँ पे पूजा पाठ रोक दी गई। व्यास जी को उस तहखाने से बाहर कर दिया गया सेक्शन 3 ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के वायलेशन में। वहाँ बैरिकेडिंग लगा दी गई बिना किसी रिटर्न ऑर्डर के। मेरी इस बात को प्लीज़ अप्रिशिएट करिएगा कि बिना किसी रिटर्न ऑर्डर के पूजा रोकी गई और बिना किसी रिटर्न ऑर्डर के वहाँ बैरिकेडिंग लगाई गई, बिना कोई नोटिस दिए हुए। तो आज उस इलीगल काम को माननीय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने रेक्टिफाई किया है और मैं बहुत खुश हूँ कि राज्य सरकार ने कोर्ट की ऑर्डर की कंप्लायंस में वहाँ पे पूजा पाठ स्टार्ट कर दिया। 7 दिन का टाइम दिया गया है, तो कब तक मानते हैं पूरा हो जाएगा? नहीं, पूजा पाठ शुरू हो चुकी है और कल रात से ही पूजा पाठ शुरू हो गई है। आज 12 बजे भोग आरती भी वहाँ पे हुई है और 5 टाइम वहाँ पे आरती होगी नियमित रूप से, उसका भी शेड्यूल मैंने मेंशन कर दिया अपने ट्वीट में। इधर पूजा को रोकने के लिए मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाई कोर्ट वापस भेज दिया, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने जल्द सुनवाई की गुहार लगाई है और निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी है। मुस्लिम पक्ष ने अदालत से 15 दिनों की मोहलत मांगी है। याचिका में कहा गया है कि 15 दिनों तक आदेश को लागू न किया जाए। बता दें कि हिंदू पक्षकार पहले ही कैविएट दाखिल कर चुके हैं। आपको बता दें कि व्यास जी के तहखाने के पारंपरिक पुजारी रहे व्यास परिवार ने याचिका दाखिल कर पूजा पाठ की इजाजत मांगी थी। कोर्ट ने 17 जनवरी को तहखाने का जिम्मा डीएम को सौंप दिया था। कोर्ट के आदेश पर डीएम ने मुस्लिम पक्ष से तहखाने की चाबी ले ली थी। डीएम की मौजूदगी में ही 7 दिन बाद यानी 24 जनवरी को तहखाने का ताला खोला गया था, जिसके बाद कोर्ट के बुधवार यानी 31 जनवरी के आदेश में तहखाने में पूजा पाठ करने की अनुमति दी गई, जिससे हिंदू पक्ष काफी खुश है। इधर इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामला जाने के साथ ही व्यास जी तहखाने में पूजा की तस्वीरें सामने आने लगी। पुजारी ने करीब 31 साल बाद व्यास जी तहखाने में 1 फरवरी की आधी रात में प्रवेश किया। भगवान आदि विश्वेश्वर के विग्रहों की पूजा की, आरती की गई। इसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद हलचल बढ़ गई है। वहीं पूजा के दौरान काशी विश्वनाथ परिसर में हर हर महादेव के जयकारे भी लगते रहे। बता दें कि अभी हाल ही में हुए ASI के सर्वे में ये स्पष्ट हो गया है कि ज्ञान वापी की मस्जिद एक पुरानी भव्य हिंदू मंदिर के ढांचे पर बनाई गई थी, जिसमें हिंदू मंदिर संस्कृति के कई चिन्हों, दीवारों और खंभों पर अंकित मिले हैं। वाराणसी की जिला कोर्ट ने व्यास तहखाने में पूजा की इजाजत दी थी। इसके बाद देर रात पूजा शुरू हुई और अब ज्ञान वापी में व्यास जी के तहखाने में शाम से दर्शन भी शुरू है।
फिलहाल बाहर से ही दर्शन कराए जा रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में उत्तरी गेट से लोगों को मूर्तियों के दर्शन करने को मिल रहे हैं। यहां से होते हुए भक्त विश्वनाथ मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट।